हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये जो आपका टॉपिक है बीएससी सेकंड ईयर में भी है और बीएससी फाइनल ईयर में भी है। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार अपना सिलेबस जो है वो जरूर चेक कर लें कि आपके सिलेबस में ये बीएससी सेकंड ईयर में है कि बीएससी फाइनल ईयर में भी है। और वैसे मैं ये सारे नोट्स आप लोगों को बीएससी फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट है अब आप लोगों को जो है वो बता चुकी हूँ। सारे नोट्स आप लोगों को बीएससी फाइनल ईयर के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, बट फिर से मैं आप लोगों को ये सारे नोट्स जो है वो देने वाली हूँ। तो जितने भी न्यू नोट्स हैं इस यूनिट के, जितने भी न्यू वाले नोट्स हैं, वो आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो अब मिलते जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और इसका जो है वो टाइप्स भी जो है वो यहाँ पे हम जो है वो देखेंगे। बट इससे पहले हम जान लेते हैं कि रेडिएशन क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहले इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद हम जो है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सनलाइट का छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद हम जो है वो उस नोट्स की तरफ जो है वो जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये सन है, इसकी जो है वो विकिरणें निकल रही है, तो इनकी जो भी रेडिएशन होगा उसमें दो प्रकार का गुण जो है वो पाया जाएगा। एक तो उस जो विकिरण होगी उसमें छोटे छोटे जो है वो कण मौजूद होंगे जिसे हम फोटोन कहते हैं, और दूसरा ये कि वो जो है वो एक तरंग के समान भी व्यवहार करेगा, मतलब उसमें वेव नेचर भी जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ये तो आप लोगों ने बेसिक फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे जो है वो ड्वेल नेचर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे कण भी मौजूद होंगे जिन्हें फोटोन कहते हैं, और ये जो आपका रेडिएशन है वो एक वेव के समान भी जो है वो बिहेव करेंगे। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को समझाने से पहले मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल बता देती हूँ, ताकि एग्जांपल को अगर एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट और इजी एग्जांपल है इसका सूर्य का प्रकाश। तो जी हाँ गाइस, सूर्य के प्रकाश से जो भी आपका रेडिएशन निकलता है वो भी जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो है वो एग्जांपल है। सेकंड चीज, यहाँ पे हम एक्सरे, तो एक्सरे तो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि जैसे कि पैर की हड्डियां, फिर शरीर के किसी भी पार्ट का हम जो एक्सरे कराते हैं, तो यहाँ पे उसी एक्सरे की जो है वो बात हो रही है। यहाँ पे जो भी एक्स रेज निकलते हैं वो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो होता है। इसके अलावा गामा रेज और या फिर यूवी रेज, जिसे पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि पराबैंगनी किरणें हमारे स्किन के लिए जो है वो हार्मफुल होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सारे रेज होते हैं वो आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंतर्गत जो है वो आते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कहलाते हैं। हालांकि इनके बारे में मैं आप लोगों को और भी डिटेल जो है वो आगे बताऊंगी, बट यहाँ पे जस्ट आप लोगों को एग्जांपल के लिए समझना है कि सूर्य का प्रकाश, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ये सारे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो है वो एग्जांपल है। तो जैसा कि आप समझ ही चुके हो कि जो भी आपके रेडिएशन होंगे, जो भी वहां से विकिरणें निकलेंगी, उनमें जो है वो तरंग का गुण जो है वो पाया जाएगा, मींस उसमें वेव नेचर जो है वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मैं उसी वेव को जो है वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, वाई यहाँ पे आप देख रहे हो, वाई जेड और एक्स जो है वो यहाँ पे अक्ष है। तो यहाँ पे आपका जो रेडिएशन है जो कि एक वेव के समान जो है वो यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, तो ये जो इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसका मतलब जो है वो क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे विकिरण जिनकी तरंगे, मतलब उस प्रकार का रेडिएशन जिनका जो वेव होगा, जिनका जो तरंग होगा, उस क्षेत्र में विचरण करती है जिसमें विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत स्थिति में हो। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही हूँ। ये जो आप लोगों को जो ब्लू कलर का जो वेव दिखाई दे रहा है वो आपका विद्युत क्षेत्र है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो रेड कलर का जो यहाँ पे मैंने वेव बनाया हुआ है वो जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस प्रकार का रेडिएशन जिनकी तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार के क्षेत्र में जो है वो विचरण करती है, और इनका जो मतलब ये जो है एक दूसरे से जो है वो लंबवत होते हैं, मतलब यहाँ पे जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से जो है वो अटैच होंगे, तो यहाँ पे आपका 90 एंगल का जो है वो कोण बनेगा। हालांकि 3D डायग्राम में आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आता, मतलब यहाँ पे डायग्राम में उतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इतना आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि ऐसी विकिरणें, ऐसे रेडिएशन जिनकी तरंगे जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच जो है वो 90 एंगल का जो है वो कोण बनता है, या ये जो है वो एक दूसरे से जो है वो लंबवत होते हैं। तो फिर से एक बार आप समझिए, ऐसे विकिरण या ऐसे रेडिएशन जिनकी तरंगे, जिनकी मतलब जो भी यहाँ पे वेव बन रहा है,
उनकी तरंगे जो है वो उस क्षेत्र में विचरण करती है जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत स्थिति में हो, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए सनलाइट, तो सनलाइट का जो भी आपका रेडिएशन निकलेगा वो इस प्रकार के सिचुएशन में रहेगा कि विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो लंबवत होंगे। उस पोजिशन में जो है वो ये जो है वो वेव नेचर जहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण किसे कहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है कि सूर्य का प्रकाश, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारे जो है वो मतलब पराबैंगनी किरणें, ये सारे जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंतर्गत जो है वो आते हैं। और बहुत ही छोटा सा आप लोगों को इसका डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार से लिखना है कि ऐसे विकिरण जिनकी तरंगे उस क्षेत्र में विचरण करती है जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर जो है वो लंबवत स्थिति में होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो कहलाते हैं। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हुआ एग्जाम्पल इसका डेफिनेशन, और इस प्रकार से जो है वो आप लोगों को जो है वो डायग्राम बना देना है जहां पे कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इस प्रकार से एक्सिस बना देना है और यहाँ पे आप लोगों को वेव बना देना है। दो प्रकार का यहाँ पे तरंग आप लोग दर्शा देना अलग अलग पेन से, ब्लू कलर को जो है वो विद्युत क्षेत्र बता देना और यहाँ पे जो रेड कलर का, सॉरी मैंने एक ही वो कर दिया है, ये जो रेड वाला है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो बता देना, आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एग्जाम्पल भी आप देख ही चुके हो कौन कौन से है, सनलाइट है, एक्स रेज है, गामा रेज है, यूवी रेज है। तो आगे हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में तरंग एवं कण दोनों का गुण जो है वो पाया जाता है। तो मैं तो आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं उनमें तरंग का गुण भी पाया जाता है और छोटे छोटे उनमें फोटोन या जिसे हम कण कहते हैं वो भी जो है वो मौजूद होते हैं। इन कणों को क्वांटा या फोटोन जो है वो कहा जाता है। आगे इसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे आप लोगों को समझना ये जरूरी था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, कुछ भी नहीं है गाइस। बस आप लोगों को ये समझना है कि रेडिएशन तो आप लोगों ने काफी टाइम सुना होगा, सनलाइट से भी जो है वो रेडिएशन निकलता है, एक्सरे में भी जो है वो रेडिएशन निकलता है। तो यहाँ पे उसी रेडिएशन को जो है वो बताया गया है और इसमें भी कुछ नहीं है कि जो रेडिएशन है उसमें जो है वो छोटे छोटे कण भी मौजूद होंगे और वो जो है वो एक तरंग के समान भी जो है वो व्यवहार करेंगे, उनमें वेव नेचर भी जो है वो प्रेजेंट होगा। बस इसे ही यहाँ पे जो है वो बताया गया है। तो ये तो हुआ आप लोगों का विद्युत चुंबकीय किरण, ये जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आई होप आप लोगों को रेडिएशन का मतलब तो जो है वो समझ में आ गया होगा कि रेडिएशन मतलब जो है वो क्या होता है। अब हम उसके बाद देखेंगे विद्युत चुंबक की स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने रेडिएशन के बारे में समझा, तो क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? पदार्थों के अणुओं मतलब जो भी आपके सब्सटेंस रहेंगे उनके मॉलिक्यूल एवं विद्युत चुंबकीय रेडिएशन के अंतरक्रिया से एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने कोई भी सब्सटेंस लिया हुआ है, हम लोगों ने एक बर्तन लिया हुआ है, वहां पे हम लोगों ने किसी भी सब्सटेंस को यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों को राउंड राउंड शो हो रहे हैं वो उस पदार्थ के जो है वो मॉलिक्यूल है। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी पदार्थ में जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, एटम्स होते हैं, तो इन्हीं मॉलिक्यूल को मैंने इस प्रकार से जो है वो प्रदर्शित किया हुआ है। तो ये जो है वो आपका सब्सटेंस है और ये है आपके पदार्थ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल। अब हम अगर इस पदार्थ में कोई रेडिएशन को जो है वो फ्लो करें, मतलब अगर हम इसमें कोई रेडिएशन जो है वो प्रवाहित करें, जैसे मान लो अगर हम इसमें सनलाइट फ्लो करते हैं या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे मैंने जो रेड कलर के पेन से जो है वो दर्शाया हुआ है वो जो है वो रेडिएशन है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है इस रेडिएशन को अपने तरफ अपने अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे रेडिएशन को जो है वो अपने अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं केवल कुछ ही रेडिएशन जो है वो यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, बाकी रेडिएशन तो ये सब्सटेंस के अंदर जो है वो प्रेजेंट है और कुछ रेडिएशन ही जो है वो इस सब्सटेंस से जो है वो बाहर निकल पाते हैं। तो जो भी रेडिएशन अब आपके सब्सटेंस से जो है वो बाहर निकलते हैं, जैसे कि ये इतने सारे रेडिएशन हम लोगों ने इसे जो है वो प्रवाहित किया इसके ऊपर, लेकिन कुछ रेडिएशन ही जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद जो कुछ यहाँ से रेडिएशन निकलता है उसे जो है वो हम एक डिटेक्टर के थ्रू इसे जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका रिकॉर्ड में जो भी हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे ही जो है वो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो कहा जाता है। वैसे इसके और भी टाइप्स हैं जिसमें हम अलग अलग विधि के थ्रू जो है वो इसे स्पेक्ट्रम को जो है वो निकालना मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे इतना आप लोगों को क्लियर हुआ क्या कहा जा रहा है, किसी पदार्थों के अणुओं मतलब किसी सब्सटेंस के अणु और रेडिएशन के बीच होने वाले जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद जो भी हमें रिकॉर्डिंग प्राप्त होता है उसे हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि क्या होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये तो हुआ। अब आणविक स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए मतलब इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधि यहाँ पे जो है वो बताया गया है। तो अलग प्राप्त करने की विधि के आधार पर इनको मुख्यतः जो है वो दो प्रकार से जो है वो वर्गीकृत किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से भागों में जो है वो इसे बांटा गया है। सबसे पहला है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा जिसे हम कहते हैं इमिजन स्पेक्ट्रा। सेकंड हम देखते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो दोनों विधि को मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, तो नाम से ही स्पष्ट है उत्सर्जन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या चीज यहाँ पे जो है वो उत्सर्जित हो रहा है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में ये कहा जा रहा है कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो उत्तेजित हो जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कोई मॉलिक्यूल रखा हुआ है, एक मैं आप लोगों को जो है वो इसे डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इमिजन स्पेक्ट्रम का जो है वो डायग्राम बता रही हूँ। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई सब्सटेंस लिया हुआ है, कोई पदार्थ लिया हुआ है, इस पदार्थ के अंदर हमें पता है कि छोटे छोटे बहुत सारे जो है वो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं। तो अगर हम इसे जो है वो एनर्जी दे मतलब समझ लो अगर हम इसे गर्म कर देते हैं या फिर अगर हम इसे हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो जैसे हम इसे एनर्जी देते हैं ये इनके अंदर के मॉलिक्यूल जो है वो एकदम से उत्तेजित होना स्टार्ट कर देते हैं मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उत्तेजित अवस्था से जब ये अपने नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, क्या हुआ यहाँ पे हम लोगों ने इस सब्सटेंस को जो है वो हीट दिया या फिर हम लोगों ने इसे एनर्जी प्रोवाइड किया। जैसे इसे एनर्जी मिला ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। जब ये अपने नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं, तो अपने नॉर्मल सिचुएशन में आने के बाद ये यहाँ से कुछ रेडिएशन जो है वो उत्सर्जित करते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से जो भी रेडिएशन निकलता है, उत्सर्जित होने वाली जो भी रेडिएशन निकलता है, उसे हम डिटेक्टर के थ्रू इमिजन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें इस प्रकार से रिकॉर्डर में जो है वो प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा जो है वो नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे जो रेडिएशन है वो उत्सर्जित हो रहा है इन मॉलिक्यूल के थ्रू। ये जो आपका रेडिएशन है वो उत्सर्जित हो रहा है और हमें जो भी यहाँ पे जो है वो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे हम इमिजन स्पेक्ट्रम जो है वो कहेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है देख लेते हैं। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है या एनर्जी दी जाती है तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो उत्तेजित हो जाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल अपनी मूल अवस्था में वापस लौटते हैं तब ये विकिरणों को जो है वो उत्सर्जित करते हैं मतलब रेडिएशन को जो है वो एमिट करते हैं मतलब वहां से जो है वो उत्सर्जित करते हैं। ये विकिरण डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाते हैं और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रा जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो आपके विकिरण वहां से उत्सर्जित हो रहे हैं, निकल रहे हैं, वो डिटेक्टर से जाते हुए वहां पे हमें रिकॉर्डर के थ्रू जो है वो स्पेक्ट्रा हमें जो है वो प्राप्त हो जाता है जिसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा जो है वो कहते हैं। और इतना लिखने के बाद आप लोगों को ये वाला जो है वो छोटा सा डायग्राम बना देना है जिसमें आप लोगों को दिखाना है कि जब हम किसी सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं तो यहाँ से आपका रेडिएशन निकलता है जो कि डिटेक्टर से होते हुए यहाँ पे आपको रिकॉर्डर के थ्रू ये जो है इमेजन स्पेक्ट्रम जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये तो होगा गाइस आप लोगों का इमेजन स्पेक्ट्रा। सेकेंड हम देखेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रा जिसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। तो अवशोषण स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को जो है वो गुजारा जाता है। अब हम लोगों ने पहले उत्सर्जन स्पेक्ट्रा पढ़ा है उससे थोड़ा सा ये ऑपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, अवशोषण स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को जो है वो गुजारा जाता है। तो देखिये हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, कोई सब्सटेंस लिया हुआ है। अब इस सब्सटेंस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है। तो जैसा कि ये जो आप लोगों को राउंड राउंड शो हो रहा है वो सारे जो है वो अणु परमाणु इसके जो है वो मॉलिक्यूल है। यहां से हम कोई रेडिएशन फ्लो करते हैं, इस सब्सटेंस के ऊपर हम कोई रेडिएशन डालते हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम जो है वो रेडिएशन डालते हैं इस सब्सटेंस के ऊपर में। अब क्या होता है, जैसे हम इसके ऊपर जो है वो रेडिएशन डालते हैं, इसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है इन रेडिएशन को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाम से ही स्पष्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण कर लेते हैं इन रेडिएशन को, अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या होगा,
जब ये रेडिएशन इस सब्सटेंस से बाहर निकलेगा तो केवल कुछ रेडिएशन ही जो है वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। इमेजिन के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने मान लो चार रेडिएशन यहाँ पे जो है वो गुजारा हुआ, एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, वैसे हम गिन तो नहीं सकते रेडिएशन को। यहाँ पे देख रहे हो चार रेडिएशन मैंने यहाँ पे गुजारा हुआ है, तो तीन रेडिएशन ये जो मॉलिक्यूल है ये सब्सटेंस है अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ से केवल एक ही रेडिएशन जो है वो आपका निकलता है, मतलब कुछ रेडिएशन ही यहाँ से जो है वो बाहर निकलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो केवल कुछ ही रेडिएशन। अब ये जो थोड़ा बहुत रेडिएशन यहाँ से निकला हुआ है, इनके एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या है, डिटेक्टर से होते हुए आपको एक रिकॉर्डर में जो है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का जो है वो स्पेक्ट्रम हमें मिल जाता है, जिसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो आपका चैप्टर है, मोस्टली इसमें हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको लिखना है। अवशोषण स्पेक्ट्रम में किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारा जाता है। इनमें से कई विकिरण या कई रेडिएशन पदार्थ के अणुओं, मतलब पदार्थ के मॉलिक्यूल या एटम के द्वारा जो है वो अवशोषित हो जाते हैं। केवल कुछ ही विकिरण पदार्थ से जो है वो वापस निकलते हैं, जिन्हें डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्डर में भेजा जाता है एवं इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हो गाइस आप लोगों का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। टास्क में मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताने जा रही हूँ, जो कि पूरे चैप्टर में जो है वो आप लोगों के काम आएगा। यहाँ पे हम कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे और साथ में हम इसका जो है वो अरेंजमेंट भी देखेंगे और इसका हम वेवलेंथ भी देखेंगे, तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे कुछ विकिरणे हैं, जैसे कि गामा रेज, जो कि मैं आप लोगों को बताई चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का जो है वो एग्जाम्पल है। एक्स रेज, एक एक चीज के बारे में आगे हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप लोगों को इसका नाम यहाँ पे जो है वो जानना है। देन उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें जिसे कहते हैं। देन इसके बाद है विजिबल, उसके बाद है इंफ्रारेड IR, उसके बाद है लास्ट में माइक्रोवेव रेडियो। तो ये तो है आपके विभिन्न प्रकार के रेडिएशन। अब हम इसके अगर वेवलेंथ की बात करें, तरंग दैर्ध्य की बात करें, जिसे लैम्डा से जो है वो व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पे जो गामा रेज है उसका जो वेवलेंथ है वो कम रहता है, फिर धीरे धीरे जो है वो ये बढ़ते चला जाता है। और अगर हम बात करें माइक्रोवेव रेडियो की, तो इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है वो हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस रेडिएशन को इस अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे अरेंज किया गया है, इसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब जो इसकी तरंग दैर्ध्य है वो पहले कम था, फिर धीरे धीरे जो है वो वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे बढ़ता चला जाता है, जिसे लैम्डा से जो है वो व्यक्त किया जाता है। ये तो वह वेवलेंथ। अब जो एनर्जी है वो धीरे धीरे जो है वो कम होते जाता है, जैसे कि इसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम है, फिर इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ा ज्यादा। कहने का मतलब है कि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है और एनर्जी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? तो इसका जो वेवलेंथ है, मतलब जो भी आप लोगों का जो तरंग दैर्ध्य है, उसे जो है वो हम NM से जो है वो लिख सकते हैं। NM मतलब नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ये तो आप लोगों का हुआ। तो अब मैं आप लोगों को इसे जो है वो डायग्राम के थ्रू और बता देती हूँ, पिक्चर के थ्रू। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे जो है वो इमेज शो हो रहा होगा, यही चीज को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आप देख रहे हो, जिसमें आप लोगों को विजिबल में, मतलब जो आपको बीच में जो है वो यूवी रेज और IR मतलब इंफ्रारेड के बीच में जो है वो विजिबल शो हो रहा है, वहां पे जो है वो 7 कलर आप लोगों को जो है वो शो हो रहा है, जिसे विबग्योर जो है वो कहा जाता है, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो है वो विबग्योर कहलाता है, जो कि आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, 7 रंगों में जो है वो विभक्त होता है। और आप लोग देख रहे हो एक साइड जो है वो रेड कलर है और लास्ट में जो है वो आपका वायलेट कलर है। तो रेड कलर का जो तरंग दैर्ध्य है, मतलब जो उसका वेवलेंथ है, वो सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार से होता है गाइज ये सारी चीजें। तो खैर इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी नोट्स आप लोगों को बेसिक सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।